अस्सलाम व्यूवर्स, मैं हूँ अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे टेलीनॉर के डिवाइसेस के बारे में। टेलीनॉर 4G और 3G सर्विसेज के हवाले से, ब्रॉडबैंड सर्विसेज के हवाले से हम बात करेंगे। और मैं आज आपको इसकी स्पीड टेस्ट भी करवाऊँगा और थोड़ा सा मैं आपको इसके पैकेजेस, डिवाइस की प्राइजेज के हवाले से भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम जाएं और देखें कि जो टेलीनॉर की डिवाइसेस हैं उसकी क्या प्राइजेज हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 4G वाईफाई की, जो बैटरी के साथ हैं, बैटरी बैकअप आपको मिलता है इसमें, आप यानी कि आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं और तकरीबन 8 आवर्स का बैकअप आपको, 6 to 8 आवर्स का बैकअप आपको ये देता है। तो ये आपको डिवाइस जो है वो 3000 की मिलेगी। 14 अगस्त की जो एक ऑफ़र है उसमें ये डिस्काउंट है और ये आपको 2000 की मिलेगी, लेकिन ये लिमिटेड ऑफ़र है। इसी तरह जो 4G विंगल है वो भी आपको 2000 में मिल जाएगी, लेकिन इसमें आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलता, इसमें आपको पावर सोर्स की ज़रूरत है और आपको पावर लगानी पड़ेगी। दोनों में वाईफाई फैसिलिटी है। और इसके बाद डिवाइस के बाद हमारा उसके बाद आ जाता है उसका मंथली पैकेजेस की। सबसे जो इसका बेसिक पैकेज है वो है आपको 1500 में मिलता है वो पैकेज। ये पेज ओपन हो जाए तो मैं आपको वो ऑफ़र की डिटेल्स भी बताऊँ। 1500 में ये इंक्लूडिंग टैक्स है और ये आपको 25 GB मंथली इसका वॉल्यूम मिलेगा, डाउनलोड वॉल्यूम। इसके बाद हम आ जाते हैं 2200 में, आपको 55 GB का वॉल्यूम मिलता है वन मंथ के लिए, 30 डेज वैलिड होगा ये 30 डेज के लिए। उसके बाद 3800 का आपको 100 GB का वॉल्यूम मिलता है। उसके बाद 6000 का 180 GB वॉल्यूम मिलता है। आए अब हम आपको इसका स्पीड टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि 180 GB का वॉल्यूम लेने से पहले आप ये चेक कर लें कि वाकई इसकी स्पीड इतनी है कि वो 180 GB जो है वो आप कंज्यूम कर पाएंगे। तो उस हवाले से मैं अगर आपको इसका स्पीड टेस्ट कराऊं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 180 GB का वॉल्यूम हमें, 180 GB का जो पैकेज है वो हमें लेना भी चाहिए या नहीं। तो अगर इसकी स्पीड टेस्ट की बात करें तो ओकला जो स्पीड टेस्ट है वो तो इसकी फाइंडिंग सर्वर पर ही फंसा रहता है, जबकि इसकी अगर हम fast.com स्पीड टेस्ट जो है इस पर हम इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं तो ये देखें 1.1 MB हमें मिल रहा है, 1.8, 1.7, 1.9, यानी ये 1 to 2 MB के बीच में ही इसकी डाउनलोडिंग रहती है और अपलोडिंग भी तकरीबन 1.5, 1.6 अपलोड फिर स्टेबल रहता है, लेकिन डाउनलोड जो है वो तो अक्सर 1 MB से भी नीचे चला जाता है। मैंने कई दफ़ा इनके हेल्पलाइन पर कॉल की तो उनका यही बार बार कहना होता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है, रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो टेक्निकल फॉल्ट 1.5-2 माह में रिजॉल्व नहीं हो सका। इनफैक्ट वो झूठ बोल रहे हैं और इस तरह का कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। अब अगर बात करें इसकी के इसका जो है वो सिग्नल स्ट्रेंथ की, तो ये आप देखें सिग्नल स्ट्रेंथ जो 3G पर 3G सर्विसेज इस टाइम मुझे मिल रही हैं और कंप्लीट सिग्नल स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट मैंने इसके साथ जो है एक्सटर्नल एरियल जो है रूफ टॉप पर कनेक्ट किया हुआ है और इसके बावजूद जो है वो स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों यानी कि आप अगर 3000 की डिवाइस लेते हैं, 2200 का पैकेज कराते हैं, 5200 के आप जो है वो एक कंप्लीट पैकेज लेते हैं 55 GB वाला, तो उसमें आपको ये स्पीड मिलेगी।
3G 4G जो इंटरनेट है उस हवाले से ये स्पीड बिल्कुल भी मैच नहीं करती 3G 4G सर्विसेज को। 3G 4G के हवाले से ये स्पीड बहुत कम है। अगर आप टेलीनॉर की सर्विस लेने जा रहे हैं या लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बजाय आप अगर जोंग 4G यूज़ करें तो उसमें आपको 15-22 MB डाउनलोड स्पीड मिलती है। और 3G को जो टेलीनॉर 3G है उसको अभी अपने नेटवर्क पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो ये था टेलीनॉर का स्पीड टेस्ट। अगर आपका कोई भी टेलीनॉर की 4G 3G सर्विस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।